Topic 10.5 is ripple tank. Ripple tank, ठीक है? रिपल टैंक क्या है? अब हमारे पास रिपल टैंक बेसिकली एक डिवाइस का नाम है, ठीक है? एक डिवाइस ऐसी जो के जनरेट करवाती है वेव्स को, जनरेट वेव्स, ठीक है? सो हम क्या करवा रहे हैं कि हमें अब वेव प्रोड्यूस करवानी है, लेकिन रिपल टैंक जो बेसिकली यूज हो रहा है वो वेव तो प्रोड्यूस करवा रहे हैं लेकिन वाटर में, ठीक है? सो वाटर के अंदर जब हम वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी डिवाइस के थ्रू, तो वो कहलाता है हमारे पास रिपल टैंक, ठीक है? तो रिपल टैंक बेसिकली हमारे पास दो काम करते हैं, ठीक है? एक तो वो जनरेट करवा रहे हैं वेव्स को, सेकेंडली वो हमें बताता है यानी वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम स्टडी कर सकें करेक्टरिस्टिक्स को, टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. सो हमने रिपल टैंक को क्यों यूज करना है? बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करवा रही है, पैदा करवा रही है पानी के अंदर वेव्स को, ठीक है, लहरों को प्रोड्यूस करवा रही है. और दूसरा हम इसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्या खसूसियात हैं, ठीक है, वो किस शक्ल की हैं, वो किस तरह से मूव कर रही हैं, उनकी स्पीड क्या है, वो अगर हम लोग एक जगह से उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उनके एंगल्स क्या बनेंगे, तो ये कहलाते हैं करेक्टरिस्टिक्स, उस चीज़ के खसूसियात, ठीक है. तो हम इस रिपल टैंक के थ्रू ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो ये कि हम किस तरह से पानी के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एंड सेकेंडली कि जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, वो किस तरह से मूव कर रही है और उसका जो पैटर्न है वो क्या आता है हमारे पास, ठीक है. सो अब हम रिपल टैंक को ड्रॉ कर लेते हैं कि रिपल टैंक है क्या. पहले आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन. इसमें जो हमने मेन मेन पॉइंट्स पढ़े हैं बेसिकली है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, ठीक है. सेकेंड हमारे पास आ जाती है चीज़ के रिफ्लेक्शन का क्या फिनोमिना होता है, ठीक है. ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही, जब मैं डिटेल बताऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या है एंड रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना एंड डायफ्रैक्शन, ठीक है. सो इस टॉपिक को जब भी आपने देखना है आपने क्या करना है, सबसे पहले रिपल टैंक की हेडिंग पढ़ते साथ ही आपको पता चलना चाहिए कि ये एक डिवाइस है जो कि क्या कर रही है, जनरेट करवा रही है वेव्स को यानी वाटर वेव्स को, एंड करेक्टरिस्टिक्स बता रही है उस वेव की करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. रिपल टैंक क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस है जो कि जनरेट करवाता है वाटर वेव्स को एंड उनकी खसूसियात को भी बताता है, ठीक है. फिर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देनी है, एंड देन रिफ्लेक्शन आपका हेडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगी, एंड देन डायफ्रैक्शन. अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से, ठीक है. कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि हम उसको बना कैसे रहे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे करें, जैसे हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं. इस डिवाइस में पहली बात है कि हमारे पास एक ट्रे बनी होती है, ठीक है, एक ट्रे शेप होती है जिसके अंदर ग्लास लगा होता है, ठीक है. इसके अंदर निचली सतह पे क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, ठीक है. एक हमारे पास है ये रेक्टेंगुलर ट्रे, इसको कहते हैं ट्रे, रेक्टेंगल मतलब इस तरह से बनी हुई है, रेक्टेंगल शेप में है. अब इसकी बॉटम पे क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है. अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर इस तरह से ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस ट्रे के अंदर ही पड़ा हुआ है, या बिल्कुल स्ट्रेट बना लें, ठीक है. ये एक वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है, ठीक है. इसको बुक से ही देख के ड्रॉ कर लेते हैं. अगेन इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है. ये एक ट्रे है जिसकी सारी ये जो निचली सतह है वो किसकी बनी हुई है, ग्लास की, ठीक है. नीचे इसके सारा ग्लास है. ग्लास क्यों लगा हुआ है, ताकि हम नीचे से बिल्कुल देख सकें कि कैसी वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. सो ग्लास जैसे ही हमें यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी हमें ग्लास के थ्रू नज़र आ जाएगा कि कैसी वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे जो है वुडन ब्लॉक है, और ये हमारे पास है मोटर जिसको हमने एक स्विच से अटैच करवाया हुआ है, क्योंकि हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी.
अब यहाँ पे क्या है, एक हमने लैंप लगा दिया एंड इस पूरे ब्लॉक को कहते हैं ऑसिलेटिंग पेडल। सो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एक रिपल टैंक। बहुत सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। सिंपली आपने क्या करना है, एक ट्रे बनानी है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे जिसकी बॉटम क्या होगी, ग्लास की बनी होगी, ग्लास की बनी हुई बॉटम है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लैंप, हमने ऊपर लैंप लगा दिया हुआ है एंड एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर मोटर सेट हुई हुई है और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग पेडल। ऑसिलेटिंग मीन्स जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रहा है, ऑसिलेट कर, ठीक है। तो ऑसिलेट कौन कर रहा है कि हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो सके, मोटर, ठीक है। पैडल क्या होता है, जो उस एक पैडल होता है जिसके थ्रू हम बोट वगैरह को चला रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हेल्प आउट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वुडन ब्लॉक जो है वो एक पैडल है जिसके ऊपर मोटर लगी हुई है, तो उस पूरे को हमने कह दिया कि ये एक ऑसिलेटिंग पैडल है। अब हमने क्या किया, इस टैंक के अंदर या ट्रे के अंदर पानी भर दिया, बिल्कुल एक यूं कि हमारी सिर्फ निचली लेयर गीली ही हो, ठीक है। ग्लास के ऊपर बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में पानी डाल दिए, ठीक है, के और बिल्कुल ऊपर इस पैडल को रख दिए, ये नहीं कि हमारे पास जो है इसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो ग्लास है और ये ट्रे है, ठीक है, ये ट्रे के एज से ग्लास तक का डिस्टेंस 1/2 मीटर का होना चाहिए, यानी इतनी गहरी होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारा ग्लास लगा हुआ है तो ये 1/2 मीटर अबव ख़त्म हो जाके, इस तरह से होनी चाहिए। सो क्या होगा कि अब हमने पानी भर दिया, पानी के ऊपर ये पैडल रखा हुआ है, अब जैसे हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे तो वो क्या करना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वाइब्रेशन आ जाएगी। इट मीन्स हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई तो वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब वेव जो पानी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरह से हो रही है क्योंकि हमने बिल्कुल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ही पानी ख़त्म हो रहा है उसी के ऊपर हमारा ये बिल्कुल पैडल रखा हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा गहरी वाइब्रेशन यूं वाली वेव्स प्रोड्यूस नहीं करवाएगा बल्कि लाइट लाइट सी करवाएगा, इस तरह से। और जो नीचे हमने स्क्रीन लगाई हुई है यानी जो ग्लास है उसकी मदद से हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास एक पूरा पैटर्न बना नज़र आएगा। ये जो वेव्स ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस तरह से हमें नज़र आएंगे, लाइट एंड डार्क हमारे पास एरियाज बन जाएंगे जिनमें लाइट एंड डार्क एरियाज क्या शो कर रहे हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ ये ब्राइट एंड डार्क एरियाज शो कर रहे हैं कि जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका कुछ ना कुछ क्रस्ट भी है एंड उसका ट्रफ भी है। अब ये वेव किस तरह से जो प्रोड्यूस करवाई है सिर्फ पैडल के थ्रू, उसने नीचे जो पैटर्न बनाया है वो इस तरह से है एंड ये क्या शो कर रहे हैं, ब्राइट एंड डार्क लाइंस, ये क्रस्ट एंड ट्रफ को शो करेंगे। सो ये हमने सिर्फ अभी वेव प्रोड्यूस करवाई है थ्रू द कंस्ट्रक्शन के एक जो रेक्टेंगुलर ट्रेली उसमें 1/2 मीटर के डिस्टेंस से ग्लास लगा दिया एंड देन जो हमने पैडल रखा है उसके ऊपर मोटर लगा दी है और जब बिल्कुल पानी के सरफेस के ऊपर पड़ी होगी मोटर तो वो हल्की हल्की जो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करवाएगी एंड उसके थ्रू जो हमारा क्रस्ट एंड ट्रफ जनरेट होगा वो इस तरह से हमें ग्लास के ऊपर नज़र आ जाएगा। अब ये जो लैंप लगाया है वो बेसिकली क्या हेल्प आउट कर रहे है? इस पैटर्न को देखने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहे है। अगर ये ना लगा हो तो यहाँ पे हमें बहुत ही लाइट सा स्क्रीन पे नज़र आएगा जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि इसमें से ब्राइट लाइन कौन सी है और डार्क एरिया कौन सा है। सो जैसे हम लैंप लगाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो रोशन कर देते हैं इसलिए हमें नज़र आ जाते हैं। सो ये जो हमें नज़र आ रही है ये हमारी लैंप की रोशनी की वजह से है एंड ये जो हमारा लाइट पार्ट है यानी वाइट है वो कहलाता है ब्राइट पार्ट, ब्राइट, ठीक है, और ब्राइट हमेशा क्रस्ट होते हैं एंड डार्क जो पार्ट है दैट इज द ट्रफ, डार्क पोर्शन जिसको हम ट्रफ कहते हैं। सो बेसिकली ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट एंड डार्क पैटर्न जो है वो क्या शो कर रहा है, एक पूरी वेव का क्रस्ट एंड ट्रफ। सो जैसे ही हम लोग ये जनरेट करवाएंगे वेव तो
और लैंप को ऑन करेंगे, ग्लास पे जो नीचे हमने लगाया उसकी वजह से पूरा पैटर्न बना हुआ वेव्स का नजर आएगा, जिसमें ब्राइट एंड डार्क लाइंस होंगी जो कि क्रस्ट एंड ट्रफ को शो करेंगी। इट मीन्स कि जैसे ही हम पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वेव प्रोड्यूस होती हैं जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों ही डिवेलप होते हैं। सो ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपल टैंक।